नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे गार्डन में। दोस्तों, आज हम दिखाएंगे आपको अपनी हरी मिर्च। ये देखिए, इसमें कितनी हरी मिर्च है, और ये देखिए इसमें लाल भी हो गई है काफी। ये देखिए काफी पेड़ है हमारे। ये पतली वाली है, लंबी वाली, और ये देखिए ये थोड़ा सा मुरझाया हुआ है क्योंकि अभी पानी नहीं डाला है इसमें, इसलिए प्लांट थोड़ा सा मुरझाया है। लेकिन इसमें मिर्चें देखिए आप, गुच्छे में आई हुई है। ये देखिए पूरा मिर्चों से लदा हुआ है ये पेड़। ये देखिए, लगी हुई कितनी अच्छी लग रही है आप देखिए। ये देखिए, ये गोल वाली मिर्च है, ये इसमें लाल हो गई है। ये भी खाने में बड़ी तीखी होती है, बहुत तीखी मिर्च है। ये देखिए, ये छोटी मिर्च है, लौंगी मिर्च कहते हैं इसको। ये बहुत छोटी आती है और खाने में बहुत तीखी होती है। ये देखिए, ये देखिए इसमें पतली पतली कितनी मिर्चें हैं, पूरा भरा हुआ है। दोस्तों, लेकिन इसमें इतनी अच्छी मिर्चें हैं तो हम अपने हस्बैंड से ये जानेंगे कि इसमें ये कौन कौन सी खाद डालते हैं, वो आपको बताएंगे कि इसमें कैसी खाद डालनी चाहिए। चलिए हम देखते हैं। दोस्तों, ये हमारे घर की बनी हुई कंपोस्ट है। बहुत ही लाभकारी होती है कंपोस्ट। देखिए कितनी सुंदर बनी है। इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम दो मुट्ठी, इस प्रकार से एक मुट्ठी और ये दो मुट्ठी। ये राख है हमारी, थोड़ा सा गीली हो रही है बारिश की वजह से। पोटास बहुत ही बढ़िया होता है राख के अंदर, और राख के अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। ये डालेंगे, साथ में हम इसमें डालेंगे नीम खली। नीम खली की भी दो मुठियाँ। और दोस्तों, ये हमारा हमने केले के छिलके, अंडे और पत्ती की खाद से सूख के गर्मी में ये हमने बनाया था। मिक्सी में पीसा हुआ पाउडर है, इसका हमने दिखाया हुआ वीडियो आपको। ये एक एक मुट्ठी बहुत है इसमें। ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा। बस इन चीज़ों को हम सब अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब ये हमारी बहुत ही पावरफुल खाद बन गई है हमारी। इसमें कैल्शियम भी है, पोटास भी बहुत प्रचुर मात्रा में है। बस अब हमें नाइट्रोजन नहीं देना है। बरसात के बाद इनमें इतना नाइट्रोजन हो गया है कि हमें नाइट्रोजन की मात्रा को सीमित कर देना है। इसलिए मैं इसमें गोबर खाद का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, इसलिए घर की कंपोस्ट का कर रहा हूँ, क्योंकि गोबर खाद के अंदर फिर थोड़ा सा नाइट्रोजन होता ही है। अगर हम कंपोस्ट का भी प्रयोग करेंगे, वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट, इसमें आपको बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन नहीं मिलता है। डालने का तरीका दोस्तों वही कि हम साइड से पहले मिट्टी निकालेंगे, इसके बिना जड़ों को ज़्यादा नुकसान दिए हुए। इसकी जड़ देखिए बिल्कुल ऊपर तक आई हुई है। ये देखिए, ये ब्राउन हो चुकी हैं, थोड़ा सा ऊपर से सूख सी गई हैं, ये खराब सी हो गई हैं इनकी वाइट जड़ें। थोड़ा सा ऊपर वाली जड़ों को हम हटा देते हैं इस प्रकार से। अब हम साइड से निकालेंगे, ज़्यादा हमें इनको नुकसान नहीं पहुंचाना जड़ों को। 1 से 1.5 इंच आप निकाल लीजिए, जिससे कि इसके अंदर कम से कम दो मुट्ठी हम डाल सकें। अब देखिए दोस्तों, ये हमने एक मुट्ठी ली, इसके साइड में ऐसे इसको भर दिया। आप शायद अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे इसके साइड में। फिर एक मुट्ठी ली और इस साइड से भर दिया। बस अब हमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद इसको हमने ऊपर से मिट्टी से ढक देना है। मैं जो इसकी मिट्टी थी उसको नहीं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें बहुत जड़ें टूटी हुई हैं। दूसरी मिट्टी मेरे पास गार्डन सॉइल है। ये ढकना बहुत आवश्यक है, जिससे कि इसके न्यूट्रिएंट्स धूप में ख़राब ना हो जाए। जो इसमें माइक्रोब्स हैं हमारी मिट्टी के, जो खाद के अंदर, वो ख़राब ना हो। बस उसके बाद थोड़ी देर बाद हम इसको भी पानी दे देंगे।
और इसमें देखेंगे आपकी और भी ज़्यादा जो मिर्चें अभी आ रही हैं, आप देख रहे हैं जो ये पूरी भरी पड़ी हैं, और भी मात्रा में इसमें लगातार अब मिर्च आएंगी। अब हमें इसमें कोई खाद देने की आवश्यकता नहीं है, 4 महीने तक ये कम से कम हमें सर्दियों तक मिर्चें देती रहेंगी, जब तक कि बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ जाती, फिर ये थोड़ा सा मिर्ची अपनी कम हो जाती है। देखिए दोस्तों, एक मैंने किया, एक और मैं आपको इसी प्रकार से इसको दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखिए, ये फट गया है, कोई बात नहीं, हम इसको रिपोर्ट में, वैसे सोच रहा था कि इसको रिपोर्ट करूँ, इसको रिपोर्टिंग भी मैं आपको बता दूँ कि किस प्रकार से करते हैं। देखिए पॉलीथिन हमारी फट गई है, अब इसके नीचे जड़ों को देखेंगे आप, अभी रूट बॉन्डिंग नहीं हो रही, लेकिन थोड़ा थोड़ा नीचे से इस प्रकार से इसको हम हटा लेंगे, हल्का हल्का हटा लीजिए। लौंगी मिर्च है और बड़ी बहुत खूबसूरत भी होती है देखने में और खाने में भी बहुत अच्छी होती है इस प्रकार से। बाकी हमने इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है ऐसी। अब हम एक गमले में तैयार करते हुए इसको लगा देंगे, वैसे भी इसके लिए बहुत छोटा पॉट होना चाहिए। ये हमारी गार्डन सॉइल है, अभी मैं निकाल के लाया हूँ इसके लगाने के लिए। अब इसमें हमने क्या क्या मिलाते हैं, देखिए गार्डन सॉइल है, ये मेरे पत्ते के खाद है, सिर्फ पत्ते, आप विश्वास नहीं करेंगे लेकिन ये सिर्फ पत्तों की और टहनियों की खाद है मेरी, इसमें कुछ नहीं है, कंपोज भी नहीं है ये, इसको हम डालते रहे, इसमें जादू होता है बिल्कुल, बहुत ही अच्छी इसमें आती है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है इसको, जो लगभग 20% हमें इसमें डालना है, बस इतना दो बहुत हो गया है, इसको डालेंगे। बाकी दोस्तों जो भी मैंने आपको ये बताया दिखाया था, इसी को थोड़ा सा हम इसमें और ऐड कर देंगे, ये हमारा कंपोस्ट और इसमें सब मिली हुई चीज़ें, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें और डाल देंगे, जैसे ये मैंने इसमें बोन मील थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल दिया, थोड़ा सा नीम कली एक्स्ट्रा डाल दिए, और थोड़ा सा कैल्शियम, कैल्शियम पोटास वगैरह जो मैंने आपको बताया, ये देख रहे हैं आप, ये बस। अब देखिए हम अपने गमले को तैयार करने का हमारा तरीका, ये मेरा एक पुराना अभी खाली किया हुआ है, इसमें भी हम सबसे पहले नीचे ये मेरे नीम के पत्ते ला के रखे हुए हैं, किसी फ्रेंड ने मेरे दिए थे, ये देखिए दोस्तों, मेरे दोस्त भी ऐसे हैं जो हमें यही पत्ते दे जाते हैं, ऐसी दोस्ती हमने रखी हुई है। देखिए अपने घर से उन्होंने 3-4 बैग मेरे लिए लेके आई है, मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, गोल्ड है। ये हमने इस प्रकार से कर दिया, इससे क्या है कि इसमें मॉइस्चर लेवल भी बना रहता है और साथ में पत्ते बाद में धीरे धीरे गलते हुए खाद बन जाती है, और जब जड़ें हमारे नीचे पहुंचेंगी तो उनको भरपूर न्यूट्रिशन मिलेगा। इसको हम मिला लेंगे अच्छी तरह से, अब हम इसमें डाल देंगे। हमारी मिट्टी देखिए बिल्कुल हल्की भरभरी, बिल्कुल एकदम इसमें कोई भी वो नहीं है, मेरे को रेत मिलाने की इसमें आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मेरी मिट्टी पहले ही इतनी भुरभुरी है और पत्ते की खाद इसमें हम डाल रहे हैं, तो इसमें कुछ भी और मिलाने की आवश्यकता है ही नहीं मुझे। हमारा किचन कंपोस्ट और ये जो पत्ते हैं, ये हमारी मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ बना रहे हैं, इसका रिजल्ट तो आप देख ही रहे हैं दोस्तों, हमारी छत में कितना हरा भरा है। इस प्रकार से इसको सेट करते हुए अब इसको धीरे से उठाएंगे और इसमें रख देंगे, देखिए बिल्कुल फिट आ गया है, अब इसमें चारों तरफ से कुछ भी इसमें करने की आवश्यकता हमें ज्यादा नहीं है। तो ये जो हमने अभी लगाया है, ये हमारा कम से कम 2 साल तक हमें मिर्ची देता रहेगा, 2 साल तक, थोड़ा सर्दियों में इसमें कम हो जाएगी, लेकिन फिर अप्रैल में थोड़ा सा हम इसमें खाद डालेंगे ऊपर से, जैसे मैंने अभी आपको बाकी में दिखाया, पूरा डालने की आवश्यकता नहीं है, सर्दियों में थोड़ा सा ये डाउन हो जाएगा, जनवरी फरवरी और मार्च तक ये डाउन रहेगा, मार्च में हम इस फरवरी में इसमें हम खाद डालेंगे, फिर से अप्रैल के अंदर इसमें मिर्च आएंगी जो हमारी मई तक चलती है, फिर ज़्यादा गर्मी हो जाती है, जब बहुत लू होती है फिर बंद हो जाती है मिर्च, और फिर से अगले सीजन में जुलाई से हमें ये मिर्च देगा, लगातार
2 साल तक देगा। देखिए थोड़ा सा अगर हमने अभी मेहनत कर ली तो देखिए कितना, बस ये हमारा तैयार है। देखिए दोस्तों अब ये और फैलेगा और अभी इसमें आएंगी, तो धीरे धीरे इसकी ग्रोथ आप देखना, तो बाद में हम आपको अपडेट दिखाएंगे इसका। 15 से 20 दिन कम से कम अभी इसमें आप देखिए, लेकिन ये बढ़ेगा धीरे धीरे दोस्तों। इसके जो अभी ये लग रहे हैं ना, इसमें ये कल जैसी हो रही है, ये बीमारी होती है, ये माइट्स लग जाते हैं। ये देख रहे हैं आप इसके पत्ते, ये दोनों पत्तों को आप कंपेयर करिए, ये देखिए ये साफ पत्ता है, लेकिन धीरे धीरे आप ये देख रहे हैं कि ये मुड़ना स्टार्ट हो रहा है। ये एक्चुअली बरसात के बाद माइट्स होते हैं, मुड़ जाती हैं, तो ये बीमारी आ जाती है, इसके कारण इसका पेड़ बिल्कुल ख़राब हो जाता है। हालांकि मेरे ज़्यादा मिर्च में आप देखेंगे, देखिए कहीं भी कोई ऐसी बीमारी है नहीं। अब इसको दूर करने के लिए हम छाछ का प्रयोग करेंगे, उसकी वीडियो में आपको सेपरेट दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इसमें हम छिड़काव करते हैं। 2 या 3 छिड़काव हम करेंगे, ये माइट्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो अभी मैंने इसको अगर कंट्रोल नहीं किया तो ये फिर पेड़ मेरा बिल्कुल मर जाएगा। मुझे मालूम है कि फिर ये धीरे धीरे एकदम ऐसा लगता है कि सारे पत्ते मुड़ते 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 फिर ये अपना प्रोडक्शन भी कम कर देता है और फिर पेड़ भी मर जाता है। अभी हम इसको इनिशियल स्टेज पर है, बारिश में थोड़ा सा मैं इनकी देखभाल ज़्यादा नहीं कर पाया क्योंकि बारिश इतनी हो रही थी, छोड़ रखा था मैंने इनको। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा बहुत अच्छे मिर्चे पाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, और आप देख रहे हैं उसका रिजल्ट, जो जो मेरे हस्बैंड ने आपको बताया उसका रिजल्ट आप सामने देख ही रहे हैं। तो आप कोशिश कीजिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए और घर में ही आप ऑर्गेनिक मिर्च उगाइए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल बटन भी अवश्य दबाएं। दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।